हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ गिद्धौर, वही गिद्धौर जो कि काली है कलकत्ता का और दुर्गा है परसंडा का। तो आप लोगों के मन में ये बात तो ज़रूर चल रही होगी कि दुर्गा पूजा का मेला यहाँ पे बहुत ही घमासान मेला लगता है 9 दिन लगातार। और वही दुर्गा पूजा का मेला का यह जगह है। और आज का जगह देखिए कितना खाली पड़ा हुआ है। और यह जो सामने आपको दिखा रहा है यह राजाओं का महल था, यह राजगढ़ था, गिद्धौर का राजा का गढ़। और ये खंडहर पड़ चुका है, फिर भी इनका सुंदरता नहीं गई है। और ये आप जो देख रहे हैं ये तोप है, ये तोप अंग्रेजों के ज़माने के ये तोप है। और ये देखिए ये मेन गेट है, ये राजाओं का महल का मेन गेट जो कि प्रवेश द्वार था। और ये दीवारों पे आपको मैं चित्र दिखाने वाला हूँ, तरह तरह का डिजाइन, तरह तरह का ये देखिए खिड़कियाँ और डिजाइन भी कितना सुंदर है। भले ये खंडहर पड़ चुका है और इनका जो नज़ारा है अभी भी देख करके ये मुंह मोड़ लेता है। अगर आप एक बार के देखिएगा तो आपको आकर्षित कर लेगा ये अपने तरफ। और ये वही नज़ारा है जहाँ की दुर्गा पूजा का मेला लगातार 9 दिन लगता है और पांव रखने का जगह भी नहीं मिल पाता है। और आज वही जगह खाली पड़ा हुआ है। तो आप लोग भी सोच में होंगे कि ये जगह खाली क्यों है। और वही एक महीना के बाद यहाँ पे पांव रखने का जगह नहीं मिल पाएगा। यही गिद्धौर है, परसंडा का मेला है, यहाँ पे आपको पांव रखने का जगह नहीं मिल पाएगा 9 दिन लगातार। और अभी पूरा मंडप खाली है। यहाँ पे मैं आया था, सोचा माता दुर्गा का दर्शन कर लूं, लेकिन कबाड़ी ही लगा हुआ था, उनका मेन गेट लगा हुआ था। और मैं बाहर से ही माता को पुकार लिया। और देखिए बहुत बड़ा ये मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर। और यहाँ का जो नज़ारा है पूरा खाली का खाली है। और उस दिन का नज़ारा ये देखिए, यहाँ पे तारामाची, ब्रेक डांस, झुलुआ, नाव, ट्रेन, हर चीज़ लगता है। और अभी खाली का खाली पड़ा है, पता ही नहीं लग रहा है कि ये वही जगह है जहाँ पे मौत कुआं और नाव जैसे, तारामाची जैसा झूला लगाया जाता है। और अभी खाली का खाली पड़ा हुआ है, पूरा मंदिर खाली, एक भी आदमी पता ही नहीं, सन्नाटा पड़ा हुआ है। लग ही नहीं रहा कि गिद्धौर में भी कोई आदमी है। और वही दुर्गा पूजा दिन आपको जिधर दिखिएगा पूरा गिद्धौर, पांव रखने का जगह नहीं मिल पाएगा। और यह वही जगह है जहाँ पे सर्कस झूला लगाया जाता है। और अभी पूरा खाली का खाली पड़ा हुआ है, पानी जमा हुआ है। और यह वही महल है, राजा का महल जो इतना सुंदर बनाया हुआ है। और यह पुल है, यही पुलिया है गिद्धौर के मंदिर के जस्ट बगल में, जो कि दाविल, नरेना चाचो, चांगोड़ी का रास्ता जाता है। और देखिए अभी पानी इसमें थोड़ा कम है क्योंकि वर्षा ही नहीं हो रही है, भरपूर वर्षा। और इसका पीछे का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको इसका नीचे में मिलेगा, जो कि ऊपर से भी रास्ता और नीचे का भी रास्ता देखिए। अगर यहाँ आप वीडियो शूटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा लोकेशन रहेगा। और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल, और दुर्गा पूजा दिन का माहौल कैसा रहता है।